अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज आपको लेके चलते हैं अंताल्या के सिटी टूर पे केबल कार में। ठीक है, अब आप केबल कार की टिकट्स तो ले लो पहले, फिर बिठाने तानू तो देखते जाते हैं ये पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर से ये केबल कार गुजर रही है। बच्चों ने फर्स्ट टाइम इंजॉय किया, मैं तो कितनी बारी कर चुकी हूँ। फन था हाँ। और ये देखी थी ये सारी वो जो माउंटेन्स वगैरह कितने वो उसके ऊपर ही होंगे या माउंटेन कड़ा जमीन के थले होंगे हाँ, वो स्ट्रॉन्ग वाले थे। वो देखो रोड नजर आ रही है, मैं कितों कितों वीडियो बनाई यार तेरी। मैं देख रही थी सारा इतना बिग ओशन। हाँ ये देखो बाबा भी पीछे बता रहे हैं क्या क्या बता रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा। तो अब हाँ हम फुल एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हम अगली जगह में जहाँ पे हमें उसने ड्रॉप किया कार ने, तो हम वहाँ पे हैं टेरेस में। ऊपर से हम देख रहे हैं पूरी, फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। और यहाँ पे हमें फोटोग्राफर भी मिले थे और हमने जनाब तस्वीरें खिंचवाई। मेरा दिल था कि फैमिली फ़ोटो कभी नहीं साड़ी बनी, एक विच मिसिंग हुंदा, तो बस फिर हमने वो बनवाई उससे। तो फिर बार्गनिंग तो पठाना वाली सी उन्हां दी, बस पठाना तरह बार्गनिंग की थी। 1000 तो शुरू हुए थे, 100 दे विच निबड़ गया काम, है ना। 200 कह रही हूँ, 50 फोटोज़ उसने बनाई थी, तो 100 लीड़ा एक स्विंग के ऊपर 100 लीड़ा दिया था शायद उसको। एक स्विंग था जो फ्लावर हाँ, स्विंग, ये स्विंग उसके के ऊपर ये पिक्की आ रहे हैं, पिक्की आ रही है। आ पता नहीं कौन माई बाबा मामा और बाबा। और ये अब हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन, जो अंताल्या का ओल्ड टाउन है। और असल में हमें केबल कार की साइड से आने में थोड़ी लेट हो गए, और करते करते मगरिब हो गई थी और यहाँ हो गया था अंधेरा। जबकि आप लोगों ने अगर आना है तो आप सुबह नाश्ता करके आ जाओ 11-12 बजे 10 बजे, या नाश्ता भी आप यहीं पे करो ओल्ड सिटी में, ओल्ड स्टाइल के नाश्ते तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ बड़े मज़े की शॉपिंग भी कर सकते हैं। इनके जो ट्रेडिशनल ड्रेस थे, जो ब्राइडल ड्रेस थे, बड़े ज़बरदस्त थे, है ना। और इधर हम टायर्ड हो गए थे, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे, हमसे वॉक ही नहीं हो पा रही थी। क्लियरली देखा नहीं था, इतना क्लियरली देखा भी नहीं था और वॉक भी नहीं हो पा रही थी। इधर एक वो भी था जिधर हमने खाना खाने का सोचा था, अम्ब्रेला रेस्टोरेंट के, चलो हम वहाँ पे चलेंगे, वीडियो भी अच्छी बन जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम दसिया ना कि पारियाँ सवारियाँ थक बड़ी जल्दी जांदियां, तो एक्चुअली तो एक जो जगह में जाना है ना, तो आपको एक पूरा दिन चाहिए कि आप अच्छे से सुबह फ्रेश हो के एवरीडे एक न्यू ट्रिप में जाओ। हाँ हम कर रहे थे एवरीडे ट्वाइस, है ना, दो दो जगह और समटाइम तीन जगह पे जाते थे, तो इसलिए थोड़ा टायर्ड हो रहे थे। हालांकि हमारे पास डेज ज़्यादा थे, बट हमारा रेस्ट ज़्यादा हो रहा था। क्या हम 11 बजे उठते थे सो के, हाँ 10-11 उठते थे, फिर हम खाना वाना खाते थे। तो घर कह रही हूँ उधर होटल में हमें 2-2:30 बज जाते थे, उसके बाद फिर निकले थे की निकले, बस असी इस तरह नहीं है। यहाँ पे हाँ वो भी आएगी, लेकिन ये अभी हम अपने होटल में वापस आए हैं और थके हुए थे खाना खाने के बाद। हमने सोचा कि चलो जी आइसक्रीम खा ली जाए, तो बस हम अपने अपने फ्लेवर लेके बैठ गए। और मैं तो उठी नहीं थी, मैं कहा मेरे को नहीं उठाया जाता, मैंने इतने ही ले आ दो आइसक्रीम। वेदर बड़ा अच्छा हो रहा था, बड़ा ठंडा ठंडा मज़े का। और जिसने जाना हो ना, अक्टूबर का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, अक्टूबर और फिर मार्च ज़बरदस्त मौसम है। मैं सॉरी गवा देता है, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और बारिश इंजॉय की हमने होटल के टेरेस से। और फिर मैंने अपने रूम में चाय बनाई। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और ये हमने खाना खाया। ये साढ़े खाने वे लोग खाने बड़े मज़ेदार थे, बस लाल मिर्चा नहीं पाते, रेड चिली पाउडर, फ्रेंच फ्राइज यम्मी थे। हाँ फ्रेंच फ्राइज
ये हमने गेम्स भी खेली क्योंकि अब हमें बाहर जाने का मूड नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि हम रिलैक्स हों, इधर ही ज़रा रेस्ट वेस्ट करें, आस पास घूमते रहे, है ना। आर्केड है वो अंदर ही था ना होटल के अंदर। हाँ तो पे भी किया था हमने, इसकी इसकी अलग से टिकट थी, दूसरी गेम्स की अलग से टिकट थी, है ना। हाँ वही ना, कॉइन्स बाय किए थे ना उससे, कॉइन्स हमने बाय किए थे, नहीं कितने पता नहीं, मेरा ख्याल 200 लीरास लिए थे उसमें हमसे, कुछ इस तरह करके कितने कॉइन दिए थे ये नहीं मुझे पता। तो नहीं नहीं 10 इसके 10 दिए होंगे, 10 कॉइन्स थे, सो ईच गेम में एक कॉइन डालते हैं। हाँ हाँ, और मैंने भी पहली बार खोल के खेली, मैं क्या चल जड़ियाँ चीज़ें मैं निके होंगे नहीं कीतियाँ, मैं बड़े होके करना इस तो पहले कि मैं बुढ़ी हो जा। इसमें आई थिंक हमको ओनली लाइक 1 मिला था उसी। हाँ एंड ये वाले गेम फुटबॉल वाले मुझे पता नहीं था, और जो बाबा को पता था कैसे खेलना। हाँ तो बाबा ने मल खेली हूँ ना, तो मैं तो थी। मुझे मुझे नहीं पता था आप लोग कर क्या रहे हो, इसलिए मैं परे बैठ गई। ये तो पता नहीं, ये मेरी ये तो पाकिस्तान में भी मेरी फेवरेट गेम थी। हाँ आई थिंक मैं लूज हो गई थी। सही, ये आ गए हैं हम बाहर चलते चलते आइसक्रीम खाने, ये जी तुर्की स्टाइल में जो शरारतें होती हैं हम तो पाकिस्तान में ही करन लग पे आए कुछ। तो भाई उत्थे तो छेड़ छड़ाका भी बड़ा होंदा है। मैं ट्राई कर रही थी कि कोई वो यही तो उनकी वो गेम है कि वो उसने कौन आपको देनी नहीं है। बाजी ने स्टिक पकड़ ली थी। हाँ बाजी बाजी है ना वो। आप दोबारा जाना चाहती हैं? जा फिर टूट दी चल जाए। ये मैं रोड की बना रही हूँ क्योंकि बाहर थे हम आइसक्रीम खा रहे थे, तो बड़ा वही बात के मौसम अच्छा था, एक रात पहले काफ़ी बारिश हुई थी। तो ये रोड वही है ना जो होटल के सामने हम निकलते थे वॉक के लिए। असल में मैं ढूंढने आई थी चाय मिली नहीं, आइसक्रीम खा ली। ये मम्मा एंड बाबा की एनिवर्सरी थी, और ये सारा जो टर्की का ट्रिप था टूर था वो एनिवर्सरी का गिफ्ट था फ्रॉम माय हबीब बबी। हम्प्टी डम्प्टी। गेस करो बाबा को क्या मिल गया बिफोर कोल्ड है। वो गेस होना ही नहीं किसी को ना ली तो गेस कर, इफ कोई गेस कर। 1 2 3 वॉच। ये बच्चे वीडियो बना रहे हैं ना। हाँ वो बाजी बना रही, पता नहीं कौन बना रहा था, बाजी और आप, तो बस इस तरह से ही बनी है। और इतनी इन्होंने जूम आउट किया हुआ था, फिर अब जैसे भी मैंने इसको सेट किया, मैं बता रही हूँ कि हमें हमने वैसे सादा सादा बहुत इंजॉय किया वीडियो बनाने का, ये बस बाजी ने किए हैं पंगे। ये तो वीडियो बनाने का ना इतना ध्यान नहीं जाता था, बाद में याद हुए वीडियो भी बनानी सी, तो बस ऐसे ही है। लेकिन जितनी भी बनी है आप इंजॉय करें, जो तुम इंजॉय ना कीता तो ताड़ी हैर नहीं, नेक्स्ट मैं फिर टूर कोई नहीं पाना। कमेंट करना रिव्यू, कमेंट हो कादे ते करेंगे कमेंट कड़ी अच्छी। ये टर्किश हालालाला कर रहे थे, हालाला हालालाला नहीं, उनकी वो एक ना वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक म्यूजिक इस तरह से नाइट होती है, वो बाहर डेक पे ना करते हैं और बड़ा मज़ेदार म्यूजिक होता है। नहीं नहीं हम आ गए थे, आवाज़ आ रही थी, मैंने पहले ही टाइम पूछ लिया था, बल्कि उधर लगा होता है ना कि आज के दिन ये होना है होटल में और आज के दिन ये होना है, फिर आप लोग ऊपर चले गए थे तो मैं वो दूसरे बार साइड पे चली गई, छूटे भी लग गए थे, समझ में कख कंडा नहीं आई, मैं कहा चल म्यूजिक पे है गाना इंजॉय भी हो रहा। इधर तो बड़ा दिल कर रहा था टप टुप लें थोड़ा सा, लेकिन नहीं, मैं फिर अगर टपती तो वीडियो नहीं बननी थी। माई कली पागल बड़ी खुश थी, अच्छा इंजॉय तो करते ना, गोरे बेचारे के पैसे ला के आते हैं, असी तो 4 पैसे ला के वीडियो, नहीं वीडियो।
हम तो वो करते हैं ना हंसते हंसते एकदम भैड़ी जी गल याद आ जानी उत्थे ही रह गया सारा नहीं खाना खाने के बाद ही हम रिलैक्स हो के फिर ही बैठे थे। ये रात को था ना 11 बजे था ये 11 के 12 आई थिंक फर्स्ट और सेकंड नाइट था है हैवी बारिश हो रही थी बड़ी जबरदस्त वो तो दिखाई है ना थोड़ी सी वो लाइटनिंग भी हो रही थी ओए होए मैं तो मेरे वो जन्मानू कह रहे थे बाहर आके बैठ टेरेस पे कितना सोना मौसम है सब डरते हैं मैं डरती हूं मैं कैसे सरप्राइज थी कैसे ये मुंडे कर सकते हैं इतना हाई किक मुंडे आनी प्रैक्टिस मुंडे वे ना कर दे ये काम उन्होंने जॉब है तो उन्होंने ये किका ही करनी है वे तो तो जी यहाँ पे ये फिनिश होने जा रहे हैं और मैं चली गई हूँ दूसरी साइड में क्योंकि बच्चे नहीं बैठना चाह रहे थे वो थक गए थे काफ़ी ज़्यादा और मैंने कहा थोड़ा सा इस साइड पे भी आऊँ ये क्या कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट नाइट थी और मैं इस तरफ आई ही नहीं थी इन बच्चों ने और हस्बैंड ने सारा वो होटल देखा था घूम फिर के इधर उधर से मैंने नहीं देखा
मुझे कहते थे आप भी आ जाओ, पर मैं हो गई ना अब टायर्ड बहुत ज़्यादा। मैं आपको पता है मैंने उतने रोटी नहीं सी पकानी पैन दी थी, मैं रेस्ट की थी। जैसे आप कहते हो मोटी सवारियाँ इतनी दूर नहीं जा सकती। हाँ मोटी सवारियाँ, मोटी सफारियाँ नहीं, मोटी सवारियाँ। हाँ ये था जी, हम आ चुके हैं टर्की के अंतालिया के एयरपोर्ट पे वापसी के लिए, और हमारी फ्लाइट थी वहाँ से सुबह 5 बजे की थी ना, 5 AM, मतलब 5 AM हम एयरपोर्ट पे आए। अर्ली था, अर्ली था, तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत जो खाना खाना था यहाँ से लिया, क्रिस्प वगैरह जो भी खाना पीना करना था, और फिर बस हम अपनी जहाज में बैठना था हमने। अभी बबी सारे बैग्स कैरी करता है, अभी बबी ने एक बैग कैरी कर रहा था और वो मम्मा का, तो बाकी तो लगे हैंड बैग बुक हो गए थे। तो मैं भी ये क्या, ये विंडो है उसकी? नहीं नहीं फिश नहीं है, ये प्लेन की विंडो से मैंने फोटो ली थी। ये जी वेलकम हो गया स्कॉटलैंड में। हाँ जी, तो गाड़ी हमने एयरपोर्ट पे ही वहाँ पार्क की थी, कुछ पैसे दे देते हैं तो वहाँ पार्किंग हो जाती है और सिक्योर भी होती है, कोई मसला नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे से ना वो एक्वेरियम का एक पार्ट मिस हो गया था, इतने हूँ एंजॉय कर लो तो माफ़ी दे दो, उतों मिस हो गया तो इतने लाना पै गया है ना। हाँ। सबकी माफी हो जाती है। रोजे है, रोजे आ रहे ना, हम माफी माफी। तो भाई लाइक भी कर दिया करोगे, कसम खादी। एफ यूट्यूब है टर्न ऑफ नहीं करता कमेंट्स, बिकॉज़ मेरी वॉइस है अंदर है, फिर हम कमेंट करना है लाइक कितना व्लॉग अच्छा लगा, एंड कमेंट करना कौन सी उनकी नेक्स्ट वीडियो है। तो बता देना जी कौन सी नेक्स्ट वीडियो है, इंशाल्लाह आपके लिए हम वो भी अपलोड कर देंगे ना, चंगी करांगे, पैड़ी नहीं करांगे, चंगी करांगे। बस तुसी जरा सब्सक्राइबर भी वधो ना आगे आलू, ते लाइक्स भी वधाओ और सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब शेयर टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।